आज का जो हमारा प्लान है 25x50 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है जिसमें कि हमने एक 3 BHK प्लान किया था। सो चलते हैं प्लान की तरफ एंड देखते हैं उसको डिटेल में। सो ये हमारा आज का प्लान है। फर्स्ट हमारी इसकी जो विड्थ है वो 25 फीट की होगी एंड हमारी इसकी जो लेंथ है वो 50 फीट की होगी। फर्स्ट हमने फ्रंट में यहाँ एक गेट प्रोवाइड किया, यहाँ गेट से हम एंटर करेंगे हमारे पार्किंग एरिया के अंदर। इस पार्किंग का जो हमारा साइज होगा वो 10x14 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 14 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ पार्किंग के ही लेफ्ट साइड में हमने छोटा सा गार्डनिंग का एरिया प्रोवाइड किया है। इस गार्डनिंग की जो हमारी विड्थ होगी वो 5 फीट वाइड होगी। 5 फीट वाइड हमारी ये गार्डनिंग का स्पेस होगा। यहाँ हम कोई भी प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। देन यहाँ हमने एक मेन डोर प्रोवाइड किया है। यहाँ डोर से हम एंटर करेंगे हमारे ड्राइंग रूम के अंदर। इस ड्राइंग रूम का जो हमारा साइज होगा वो 13x11 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 13 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 11 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने कॉमन टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया है। इसका जो हमारा साइज होगा 10x4 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन ये बीच में हमने एक पैसेज छोड़ा हुआ है। इस पैसेज की जो विड्थ होगी वो 3 फीट वाइड होगी, 3 फीट 6 इंच हमारी इसकी विड्थ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 10x12 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहां से हम एंटर करेंगे हमारे सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 10x14 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 14 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने किचन का एरिया प्रोवाइड किया। यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे किचन एरिया के अंदर। इस किचन का जो हमारा साइज होगा वो 10x12 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने हमारा थर्ड बेडरूम प्रोवाइड किया है। यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे थर्ड बेडरूम के अंदर। थर्ड बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 10x12 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन ये बैक साइड में भी हमने WCN बाथ प्रोवाइड किया है। इसका जो हमारा साइज होगा वो 10x5 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा सेम 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 5 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने एक ओपन एरिया प्रोवाइड किया है, इसको हम एज अ वॉश एरिया यूज कर सकते हैं। इसका जो हमारा साइज होगा वो 13x5 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा सेम 13 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 5 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस प्लान में हमने जो भी कॉलम्स का पोजीशन है वो शो किया हुआ है। सारे कॉलम के पोजीशन शो हुए हैं। इस प्लान में हमने जितने भी डोर्स प्रोवाइड किए, जितने भी डोर्स हमने डी से डिनोट किया है, इन सभी डोर्स का जो हमारा साइज होगा वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी डोर्स को हमने D1 से डिनोट किया है, इन डोर्स का जो हमारा साइज होगा वो 2 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 6 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान में हमने जितने भी विंडोज प्रोवाइड किए हैं, जितने भी विंडोज को हमने W से डिनोट किया है, इन सभी विंडोज का जो हमारा साइज होगा वो 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 4 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज को हमने V से डिनोट किया है, इसका जो हमारा साइज होगा 2 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 2 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान का हमारा जो ओवरऑल एरिया होगा वो 1250 स्क्वायर फीट का होगा एंड हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 13-15 लाख के अराउंड आएगा, जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये था हमारा आज का प्लान, जो कि 25x50 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान था, जिसमें कि हमने एक 3 BHK प्लान किया था।